हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज है करवा चौथ, तो मैंने भी रखा है फास्ट। और करवा चौथ, आप लोगों को हैप्पी करवा चौथ। और आज मैं पूरे दिन का ब्लॉग शूट करने वाली हूँ, और उसके साथ ही मैं फर्स्ट टाइम, ये है मेरा पांचवा करवा चौथ है। बिंदी क्यों लगा ली? और आपने लगा रखा ना लिपस्टिक ढंग का लगा दो जो हाईलाइट हो। अभी सड़ा सा ही मुँह लग रहा है। और ये जो मेहंदी है ये मेरी छोटी ननद ने लगाया है, और मैंने यहाँ पे लिखवाया रौनक का नाम, रौनक का नाम लिखवाया मैंने। और करवा चौथ तो रौनक के पापा के लिए रखा, लेकिन मैंने नाम रौनक का लिखवाया है। जिसने बनाया उसका, उसको तो दिखा दो आनी तो। और ये वाला जो हाथ है ना, वो पूरा बनाया है मैंने ना। पता है क्या किया आप, ये मेरे वीडियो को नाश डालूंगी। कह रही थी कि इस हाथ में मैंने जो पूरा मेहंदी है ना, ये इससे लगाया है, काली चाय। इसका लाइनर मैंने लगाया है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मुझे ना विंग लाइनर बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने ना सोचा इसका मेरे साथ रह के अच्छी संगति। कुछ नहीं आता इसको, देख रहा शकल बहंगी जैसी लगी है। इतनी गंदी वैसी, सुबह सुबह इतना मेकअप लोग करके बैठेगा तो सुंदर ही दिखेगा। मेकअप कुछ नहीं किया, ठीक है, लिपस्टिक लगाया, बिंदी लगाया और सिंदूर लगाया, बस। मैंने तो नहीं लगाया, तो बिंदी इतना उड़ा के चमक रहा है, लिपस्टिक भी लगा और भी ब्लशर भी लगा रही है। बताओ, मैंने ब्लशर भी नहीं लगाया अभी तो, नॉर्मल मेकअप। हाँ मामा। और इस हाथ का मेहंदी इसने लगाया, और ये है, ये जो है ये लगाया काजल ने तो। और पता है ये बीच में आपको खाली क्यों दिख रहा है? क्योंकि ना मैंने ना बीच में लगवाया नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीच में सारा चूड़ियों से भर जाएगा डिजाइन, तो दिखने वाला नहीं है। मेहंदी वेस्ट एंड इतनी ठंडी भी लगती है मेहंदी लगाने के बाद, इसलिए मैंने नहीं लगवाया। और ये पीछे भी, इस हाथ का जो पूरा काम है वो मेरी बड़ी वाली ननद ने किया है, और इस वाले हाथ का पूरा मेरा छोटी ननद ने किया है। तो दोनों हाथ मैं बस दे के बैठ गई थी, और रात के हम लोग 1 बजे तक बैठ के मेहंदी लगाए हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी उसके बाद। और ये दोनों में से मेहंदी आपको कौन सा अच्छा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। ना मैंने ना मैं थोड़ा सा तैयार होकर बैठी हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर। मैं नहीं लगा रही, हाँ तुम लोगों को गलत संदेश भिजवा रहे हो ना कि मैं मेकअप करती हूँ ज्यादा। आगे तो संदेश नहीं है, लोग देख रहे हैं वहां से। तो ना मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर। 10 किलो मेकअप रोज, लोग ब्रेकफास्ट की जगह लोग खाना खाते हैं सुबह सुबह, ये मेकअप खाती है। सही बोल रही है। अब लगा रहे हो तो अच्छे से लगा दो। आंख पे कौन लगाता है, मुंह पे कौन लगाता है? ये स्पेशल यहां पे लगाओ ना, नाक पे लगाओ, मुझे नाक पे अच्छा लगता है। अब रह दो अपना ब्लशर अपने मुंह में ठूस। अरे यार आप कितने सुंदर लग रहे हो। अरे यार सर ये लगा, अच्छा ये रहा, मुंह देख के लगा लो ना, कैमरा देख के क्या। भाई साहब क्या लगा वो, इसे कहते हैं ब्यूटी। पिंक 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 लिप्स नहीं है, खूबसूरत चेहरा। तो मेरा नेल कैसा लग रहा है? बकवास, मेरा ज्यादा अच्छा लग रहा है। छी रहन दो, देखो मेरे साड़ी से मैचिंग का, ठीक है, सड़ा सा रिंग सड़ी सी है। ये क्या है, दिखा करो ना। तो मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर, तो मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर, इसलिए मैं थोड़ा सा तैयार हुई हूँ, और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। कली का कपड़ा पहना हुआ है, और जो थोड़ा सा मुंह धो के और बाल बांध के तेल वेल लगा के, और तेल इसलिए लगा लिया क्योंकि सबको बाल धोना है, तो मैंने अच्छे से तेल वेल लगा लिया ताकि सबको मैं बाल धो लूँ। और मैंने मेकअप कर लिया, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया, बिंदी लगाया, सिंदूर लगाया, और उसके बाद मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर। इतना कुछ लगा और कहाँ कुछ लगाया। तो इतना तो हम लोग के लिए नॉर्मल होता है, ठीक है, इतना तो ज़रूरी होता है, तो वही मैंने लगाया है। और अब मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर। वैसे पता नहीं कब जाऊँगी, अभी आए नहीं है दुकान पर कोई कस्टमर है, तो इसीलिए अभी तक नहीं आए हैं, फ़ोन कर दिया है आने वाले हैं। तो अब मैं ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, और फिर पता नहीं कब आना है। और मैंने रौनक को खिला के और नहा के और सुला दिया है, इसलिए वो सो रहा है, तो इसलिए जा रही हूँ मैं ब्यूटी पार्लर, ताकि मैं जल्दी से आ जाऊँ जब उसके उठने से पहले। और उसके कपड़े भी सारे धो के डाल दिए हैं, और तो थोड़ी सी भूख लग गई है मेरे को। और इसके अलावा तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, अभी प्यास नहीं लगी है, प्यास तो नहीं लगी है, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लगी है, हाँ तो थोड़ी सी भूख लग गई है, तो बस
तो मैं जाऊंगी ब्यूटी पार्लर और आप लोगों को भी ले जाऊंगी। और मैं ब्यूटी पार्लर जाने के बाद डिसाइड होगा कि मैं फेशियल कराऊं कि नहीं, या फिर मैं खाली आईब्रो बनवा के आ जाऊंगी, पता नहीं। तो वहाँ का भी थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लूँगी मैं, ऐसा रफली सा पूरा प्रोसेस नहीं दिखाऊंगी कि मैंने क्या करवाया नहीं करवाया, बस थोड़ा सा शूट कर लूँगी। और यही करने वाले हैं और अभी चल रहा है वेटिंग। तो अब मैं जब जाने लग जाऊंगी ना तब आप लोगों से मिलती हूँ, और फिर जब मैं आ जाऊंगी तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ, या फिर मैं शाम को मिलूँगी, पता नहीं कब मिलूँगी। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय। बाय बाय। तो यहाँ पे मैं आई हूँ ब्यूटी पार्लर। तो हम लोग ने सोचा था फेशियल भी कराएंगे, लेकिन दो ढाई बजे गए थे। तो जो पार्लर वाली है, देख रहे हैं आप, उनके बाल कलर हो रखे हैं और उन्होंने पूरा मेकअप कर रखा है। ये पूजा के लिए तैयार भी हो गई थी और हम लोग नहाए भी नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने बस थ्रेडिंग बनवाया और हम लोग घर आ गए। तो ब्यूटी पार्लर से आ गई हूँ और थोड़ा लेट हो गया था, 3 बज गया शाम के 3 बज गया। अब हम लोग जा रहे हैं नहाने वहाने के लिए, और आईब्रो बनवा लिया है और जो कुछ नहीं करवाया, सिर्फ आईब्रो बनवा के आ गए हैं क्योंकि लेट गए थे। और वो जो पार्लर वाली थी वो खुद साड़ी वाड़ी पहन रही थी, वो तो नहा भी लिया उन्होंने और तैयार भी हो गई थी, बस उनको कपड़े पहनना था तो वही पहनने भी लग गई थी आईब्रो बनाने के तुरंत बाद। वो साड़ी वाड़ी पहनने लग गई और हम लोग घर आ गए हैं और अब नहाने वाले हैं, जल्दी से तैयार होने वाले हैं, यही सब काम है। और थोड़ा लेट हो रहा है और रौनक भी उठ गया है, वो तो और परेशान करेगा तैयार होने में। तो जैसा भी होता है मैं अपडेट करती रहूँगी, ठीक है? तो मिलते हैं, पता नहीं तैयार होके मिलूंगी शायद मैं आप लोगों से सीधे। तो बाय बाय। तो मैं तैयार हो गई हूँ, तो मेकअप बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, बस सिंदूर लगा लिया है। और ये जो सिंदूर है ये मेरे शादी वाला सिंदूर है, और मेरी मम्मी ने कहा था कि जब जब कोई फास्ट वास्ट रखते हैं तो उसमें लगाते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने इसको लगाया है। और बस मेकअप झपक कुछ नहीं किया, बस वही ज्वेलरी भी पहन ली है, बिंदी सिंदूर लिपस्टिक काजल बस यही लगाया। और यहाँ पर पूजा का सारा सामान रेडी है, तो छत को दिन में ही धो दिया था और अभी सूरज ढल चुका है शायद, पता नहीं, हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो बस अभी पूजा स्टार्ट होने वाली है, तो मैंने सोचा तब तक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या पहना है और मैं कैसी लग रही हूँ। और अब तो हम लोग ब्यूटी पार्लर गए थे, तो मैंने वो वाली बात तो बताई दी। और मैंने बस एक सिंपल सा गजरा लगा लिया, कुछ नहीं किया, बस बाल को लपेट के एंड वो क्लचर से सिक्योर करके एंड उसके ऊपर से गजरा लगा लिया, तो अच्छा लग रहा है ना। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताइएगा ज़रूर, और मैं आप लोगों को मिलती हूँ शाम को या फिर पूजा करने के बाद। तो और मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर मैंने कैसे तैयारी की है बैक कैमरे से अच्छे से। तो चलिए, था उसके 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। वह 7ों भाइयों को प्यारी बहन थी, एक साथ ही बैठकर खाना खाते। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और बहन ने बोला आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांदी
हमारी पूजा हो चुकी है ख़त्म और मैं अब आ चुकी हूँ घर में। वैसे ख़त्म हुए एक घंटा हो चुका है, हम लोग बैठ के बातें बातें कर रहे थे, थोड़ी सेल्फी वेल्फी ले रहे थे। तो उसके बाद मैंने अब मैं जा रही हूँ खीर बनाने के लिए। मैंने किचन में जो खाना वाना था बनाना तो वो मैंने पहले ही बना दिया था, आटा सान के रख दिया है और गैस वैस भी साफ़ कर दिया है, और जो दूध चावल भी फूलने मैंने पहले ही रख दिया था, और खीर जो दूध में खीर बनेगा वो दूध भी सुबह ही गर्म करके रख दिया था। सब कुछ रेडी है, बस जा रही हूँ मैं अब किचन में और बनाऊंगी मैं खीर। तो हम लोग करवा चौथ में जो खीर बनाते हैं वही खीर खाते हैं, मतलब कि हम लोग नमक नहीं खाते हैं। और कुछ जो लेडीज़ होती है वो तो चांद निकलने के बाद सब कुछ खा लेती हैं, जैसे कि मेरी मम्मी, मेरी मम्मी सब कुछ खा लेती है, लेकिन जो मेरी सासू माँ है वो नहीं खाती हैं अभी, और इसलिए मैं भी नहीं खाऊंगी। तो इसलिए मीठा मीठा ही खाना है, फिर उसको वही खा के फिर सो जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे अपना फास्ट तोड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो चलिए मैं आज आप लोगों के साथ खीर की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बहुत इजी सिंपल है और ज़्यादा ड्राई फ्रूट भी नहीं डालना है, सिंपल सा मैं खीर बनाऊँगी और ये कैसी लग रही है आप ये भी बता देना। अच्छी लग रही है ना सूट में? और मैंने अपने मुंह पे कुछ ना मेकअप नहीं किया, मैं ना खीर बनाने के बाद थोड़ा मेकअप कर लूँगी और जब तक चांद निकलेगा उस टाइम तक। और बाबू ने बहुत परेशान किया और अभी भी बहुत परेशान कर रहा है, बहुत रो रहा है, तो इसीलिए कुछ नहीं किया मैंने और शायद अब खीर बनाने के बाद करूँगी। तो चलिए खीर बनाते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ खीर। तो मैंने दूसरे पतीले में रखा था दूध गर्म करके, तो मम्मी ने पूजा के लिए दूसरा डेगची बोलते हैं हम लोग तो डेगची दिया है, इसमें बनाने के लिए कहा है, इसलिए मैं उस पतीले में से दूध निकाल के और इस डेगची में डाल रही हूँ। ये नया लिया है पूजा के लिए, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर सारा दूध डाल दिया है और ये शायद 1 किलो होगा पता नहीं। तो यहाँ पर दूध मैंने डाल दिया और इसी में बनाना है मुझे खीर। और खीर बनाने के लिए कच्चे चावल का यूज़ करते हैं, तो मैंने भी कच्चे चावल का ही यूज़ किया है। एंड उसको मैंने सुबह से ही सोक होने के लिए रख दिया था ताकि खीर बनने में टाइम ना लगे ज़्यादा और जल्दी से बन जाए फटाफट, तो इसीलिए। और यहाँ मैंने गैस जला दिया है और उसके ऊपर रख दिया। और सांप की पूजा हमने कर ली थी, और सांप का पूजा करते हैं तो अर्घ देते हैं सूरज को, और उसके बाद सासू माँ का पैर छूते हैं, तो वही सब। और जो आप देख रहे होंगे एक और हमारे साथ थी, तो वो पड़ोस में रहती है, उसका पहला करवा चौथ था और घर पे कोई था नहीं बताने के लिए कि कैसे करते हैं, इसलिए वो हमारे साथ ही पूजा किया उन्होंने। तो मम्मी ने ही सब कुछ बताया कि कैसे पूजा करना है, तो हम ही लोग के साथ किया। बस वो क्या करती है, उनकी सासू माँ ने कहा था कि जो मटकुरी होता है उसके अंदर हम लोग गेहूँ रखते हैं, तो उन्होंने बस चूरा रखा था, तो वो चूरा रख के फिर किया था। और वो गांव से आई है और यहाँ पे रहती है पोती के साथ, अकेले रेंट पे रहती है पड़ोस में ही, तो इसलिए हमारे साथ ही पूजा कर लिया। तो मैंने यहाँ पे चावल को फिर से अच्छे से धो दिया है और धोने के बाद डाल दिया है दूध में। तो बस ये इस खीर को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने पहले से सोख करके रखा है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने सारा चावल लेके और डाल दिया है दूध में। तो मैंने दूध में डाल दिया है, और चावल को फूलने देने से जल्दी ही बन जाता है और टेस्ट भी अच्छा ही आता है क्योंकि सब दूध एंड चावल अच्छे से मिल जाता है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने चावल में दूध डाल दिया है, दूध में चावल डाल दिया और गैस भी चला दिया, और मैं उसको अच्छी तरह से मिला दूंगी। और ये भी पूजा का ही है, तो जो पूजा का बर्तन होता है उसी में मैं बना रही हूँ अच्छे से, क्योंकि हम ही दोनों खाएंगे खीर और घर में भी सबको देंगे, इसलिए ज़्यादा बना रही हूँ। और फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चीनी। तो यहाँ पे खीर बहुत देर पहले ही बन गया था और लेकिन चीनी नहीं मंगाया था, तो चीनी लाने में इतना टाइम लग गया, और यहाँ पे दूध पूरा वो हो गया, बहुत ठंडा हो गया थोड़ा सा, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। तो मैंने लास्टली तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दिया अच्छे से और बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, तो बस मेरा खीर यहाँ पे बन चुका है। मैंने चीनी में अच्छे से मिला दिया है चीनी
चावल और दूध में, मतलब खीर, खीर यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको ले जाके दूसरे रूम में रख दूंगी, क्योंकि बहुत खतरा होता है किचन में रखना। हमारे किचन में दो दो खिड़की है, दोनों साइड से बिल्ली घुसने का थोड़ा लगा रहता है, इसीलिए मैं इसको पहले साइड करके रख दूँगी। पूजा का खीर है, इसको चढ़ाना भी है, तो मैं इसको अब ले जा रही हूँ अपने रूम में। तो अपने रूम में रख दूँगी मैं ले जाके। मेरे रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है अभी, क्योंकि पूजा वूजा होता है तो घर की ऐसी ही हालत होती है। तो मेरा खीर भी बन चुका है, और ये हार ना बहुत ज़्यादा बेकार है, पीछे से ना ढीला हो जाता है। ठीक है, तो मेरा खीर भी बन चुका है, और रौनक यहीं पे खेल रहा है, और मैं लाके किचन में से यहाँ पे घर में रख दिया, क्योंकि किचन में बिल्ली घुस जाती है। इसके वजह से एक बार बिल्ली ने मेरा खीर खा लिया था, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। तो आज कुछ ऐसा ना हो जाए इसलिए मैंने पहले से साइड करके रख दिया है। और फिर अब मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, रौनक के पीछे चिल्ला चिल्ला के बहुत बदमाश है ये। हाँ, तो थोड़ी प्यास भी लग गई है, भूख भी लग गई है, और पता नहीं कब निकलेगा चांद। मैं चालू कर दी। उधर से बनाओगे आगे से? इधर से चांद दिखेगा ना, यही सही है, दिख रहा है। हट जा, बहुत गंदी लग रही है। पूजा हो चुकी है ख़त्म, और आप लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने छत पे पूजा किया था, और मैंने थोड़ा सा मेकअप किया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने आई शेडो अप्लाई किया है, कोई लाइटिंग की प्रॉब्लम की वजह से दिख नहीं रहा। गजरा भी लगाया था, वो वीडियो में शायद दिख रहा होगा। और मेरे बालों की हालत थोड़ी ख़राब हो गई, बालों की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, क्योंकि सर पे पल्लू रखना पड़ता है, इसकी वजह से पूरा बाल इधर से उधर हो गया। तो मैंने पानी भी पी लिया, खीर भी खा लिया, और तुलसी में पूजा वूजा जो करना था कर दिया, मंदिर में भी जो पूजा करना था सब कुछ हो गया। और रात के पता नहीं कितने बज रहे हैं, और चांद बहुत ज़्यादा पहले निकल गया था, और हमने पूजा किया 9:30 बजे। आज मौसम दिन भर से बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसकी वजह से चांद जब निकला, इधर देखो ना बेटा, इधर देखो कैसे रोई रोई कर रही थी, किसी दिन किसी नहीं अच्छा रुको, तुमको खोल के देते बेटा, खोल के ये ले लो, ठीक है पहना दो रौनक, मेरे को झुमका पहना दो, नहीं पहनाया
मेरा झुमका लेके फेंक दिया। दोपहर के टाइम भी जब मैं शाम के टाइम भी जब मैं पूजा करके आई थी तो इसने मेरा झुमका खुलवा लिया था दोनों, और अभी भी इसने झुमका लेके फेंक दिया। वैसे तो अब सब कुछ उतारना ही है और पूजा हो चुकी है ख़त्म। पानी वानी पी लिया, तुलसी में जल दे दिया, दिया जला दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, और हम लोगों में जो खीर खाते हैं वो मैंने पहले बना के रख दिया था, उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है तो वो भी खा लिया। मम्मी चली गई है सोने के लिए और अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए, और इधर उधर के सारे काम हो गए हैं। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।